हेलो वर्मी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। ये पार्ट आप सबको कैसे लगी प्लीज मुझे बोलना होगा। सो वर्मी, आप सब ने अगले पार्ट में देखा था, जीन बहुत ज्यादा रो रही थी तो जंगकुक ने संभाला था। जिमिन, जल्दी से निकल बाहर, मैं भी तो जाऊंगी नहाने के लिए। मैं क्या यहाँ पे कब से वेट कर रही हूँ तेरे लिए। हाँ, मैं ना होने ही वाला, थोड़ी देर वेट कर। मैडम आई आई, फाइनल आपका हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ। हाँ, अब तो जा सकता है। बाहर खड़े खड़े इतने ज्यादा गला क्यों फाड़ रहा है? जानता नहीं है, लड़कियों को नहाने में थोड़ी सी टाइम लगता है, इसके लिए इतना ज्यादा टाइम? यस, इतना ही टाइम लगता है। अब तो जा सकते हैं, अभी खड़े रह के मुझसे बात करके तुझे कोई फायदा नहीं होगा। ओके, नहाने के बाद कितने सारे कपड़े धोने पड़े मुझे, मैं तो थक ही गई। क्या, मैं तो उसे अंदर ही छोड़ रहा हूँ, वो जंगकुक ने देख लिया तो क्या होगा? अब मैं क्या करूँ, जंगकुक को बुलाऊँ? नहीं, बुला के कोई फायदा नहीं, वो तो मेरे बात का जवाब ही नहीं देगा। फिर उसका बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज उसने देख ली तो तब क्या होगा? नहीं, मेरा नहाना कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें इसमें क्या रखा है, एक बार देखना पड़ेगा। के बाद जंगकुक बाहर आता है और जिमिन को बोलता है, सुना नहीं तेरा ना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज अंदर रह गया है, जा जाके बाहर निकल ले। इसका मतलब जंगकुक ने वो चीज देख ली है, लेकिन ऐसे ब्रास की मदद से कौन देखता है? मुझे इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है ना, और दूसरी तरफ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों है सब चीज देखने के लिए उसके? एक बार जाके देखना कौन आया है मेरे घर में इस बार। ठीक है जंगकुक, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक देखो मैं आ गया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इस बार कौन? क्या लीला, तू यहाँ पे? तू यहाँ पे कैसे? तुझे कैसे पता चला हम लोग यहाँ पे? जी नहीं, ये तो मेरा सवाल है, तू यहाँ पे कैसे है? मैं तो जानता था ये जंगकुक का फ्लैट है। लीला तुम बोलो, जी ने तो वो पहले सवाल किया ना इस बारे में, तुमने मुझे सुबह ने बताया तुम यहाँ पे अलग फ्लैट लेके रहते हो, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल के जाऊँ, इसके बाद हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएंगे, इसलिए। जंगकुक मैंने अच्छा किया ना? जी तू बोल, तू यहाँ पे कैसे इस बार? असल में लीला, मैं और जी यहाँ पे एक साथ रहे थे। जंगकुक ने बहुत बोल लिया, मैं बोलती हूँ लीजा को। असल में लीजा, मैं जंगकुक के साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थी। ऐसी बात है, मैं तो सोच रही थी तू यहाँ पे ही रहता है, जंगकुक ऐसे बोलने लगा था। नहीं नहीं जंगकुक के बात छोड़ना, तो लीजा फिर तू आई गई है तो हम तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके ठीक है, फिर हम लोग एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं जीवन, और मैं कुछ खाना भी लाई हूँ जंगकुक के लिए। लीजा तू जा जाके बैठ, मैं और जंगकुक अभी आ रहे हैं। तू क्या पागल हो गया, तू अभी क्या बोलने वाला था लीजा को? हम लोग एक साथ रहते हैं, बात को मैं नहीं संभालती तो क्या होता अभी तू जानता है? कॉलेज में ऐसे में गलती से निकल गया था मेरे मुंह से, इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी चल, वो नहीं तो उस तरफ वो हमारा इंतजार कर रहा है। पाली सर, तूने तो खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई है। चल हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इस खाने से। नहीं जिमिन, तेरे लिए ये खाना अच्छा नहीं होगा, तू देख ना उस तरफ वेजिटेबल्स भी है, तू वो खा ले। और कुछ खाने की जरूरत तो यही था। फिर जंगकुक, मैं, तू और लीजा एक साथ कॉलेज जाएंगे उनके ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद। लेकिन जिम, तू कैसे जाएगा? तू तो घर के कपड़ों में चला है, और उस कपड़ों में तो कॉलेज नहीं जा सकता ना। लीजा तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं गार्ड लेके आई हूँ ना, मेरे गार्ड में एक एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं वही पहन लूंगा। इस जीवन के बाद ना मेरा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने सोचा था जंगकुक के साथ कितना मजा करेंगे, लेकिन ये जीवन चला है बीच में। तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद जंगकुक और जीवन तैयार हो रही है और वो तीनों निकल पड़ते हैं कॉलेज के लिए। नहीं, तू और लीजा एक साथ क्लासरूम में जाए, मैं कुछ देर बाद आ रही हूँ, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। क्या कॉल? किसको? वो मुझे करना है, तू जाना। तो तू क्या यहाँ से निकल गया है, और तुझे क्या सारा सबूत मिल गया है? इस जंगकुक में निकल रहा हूँ, अभी मैं गार्ड से जा रहा हूँ, और शायद कुछ देर बाद मैं पहुँच भी जाऊंगी। तूने क्या बोला सबूत? तुझे जितना सबूत चाहिए था ना, मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मिल गया। मुझे सिर्फ जाने दे, उसके बाद मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। चल जी, तू जल्दी से लौटा, मैंने तुझे जहाँ भी बोला था तू वहीं पे इंतजार करना। ओके ठीक है, मैं वहीं पे रहूंगी, लेकिन जंगकुक तू आने के बाद जिमिन को मत लाना। ओके क्यों जी? मैं तुझे जितना बोल रहा हूँ तू उतना ही करना, उसके बाद तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। बाय जी, तू जैसा बोल रहा है मैं ऐसा ही करूंगा।
गए जानते हो, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही थी जिमी। अब मुझे लगता है ना मुझे जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। मैं क्लासरूम में वेट करती हूँ तेरे लिए, नहीं तो यहाँ पे कब अपने हड्डी बन जाऊंगी। कितना दिल ये सब क्या बोलते हैं। ठीक है जिमी, अब मैं जाता हूँ, मैं तेरे लिए वेट करूंगी। ओके okay? ठीक है। क्या बकवास, आज क्यों मुझसे मिलने हो? कल तो तुम मेरे से मिले नहीं है, मैं अच्छे से जानता तुम कल कॉलेज आए थे। सॉरी जिमी, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही चली गई थी। तुमसे मिलने के बाद भी तुम्हारा हर वक्त काम आ जाता है, क्यों है ना कर? नहीं जिमी, ऐसी बात नहीं है। असल में ना मैं बहुत बड़ा काम कर रही थी, मैं कुछ पेपर तैयार कर रही थी ना, इसलिए मैं नहीं आ सकती। पेपर? हाँ वो पेपर मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा, मुझे बता दे क्या फायदा, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। सुनो जिमी, आज ना मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया। क्या सरप्राइज? हाँ, इसलिए तो मैं आ नहीं पाई, पर तैयार कर रही थी और उस तरफ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। उन बात तो तुम साथ साथ मुझे बोल ही सकते थे, ये सब माफ या फिर बोल के क्या फायदा। मैं सामो का तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गई थी। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ कर, मैं तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, तुम आज आ जाना ओके टाइम पर एक होटल में, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। लेकिन तुम जनकोप को लेने आओगे? लेकिन क्यों गाय, वो आया था तो क्या होगा? नहीं मैंने बोला ना तुम आज अकेले आओगे। ठीक है, वही होगा, तुम जैसा बोले हो ऐसा ही करूंगी मैं। ओके बाय, फिर मैं जा रही हूँ। क्या कर, तुम अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करना पड़ेगा ना पूरा, इसलिए मेरे सरप्राइज इस बात में तो बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है मुझे। क्या सरप्राइज है? हेलो महारानी, तो आज आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? मेरा तो वही काम हो गया ना, आपको ले जाना ले आना। सॉरी शुगा, ये बात बोल के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उसका पनिशमेंट तुझे मिलेगा ही। ये बात मुझे ले जाने के, आज मुझे बर्फ देखना, तो ऐसी एक जगह पे ले जाए जहाँ पे बर्फ पड़ी है। क्या बर्फ? इस बात कहाँ पे बर्फ पड़ा है, मैं तुझे ले जाऊँ? सोच सोच शुगा, अच्छे से सोच, यही पास में है वो जगह। ठीक है तू आ जा, मैं तुझे ले जाता हूँ। के बाद वो दोनों कार से चले जाते हैं। देख ले, तू इस जगह की बात करी थी ना? हाँ सुगा, यहाँ पे कितना ज्यादा बर्फ पड़ रहा है और मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ तो मुझे पता चल रहा है, इसलिए तो तेरा काल लाल गुलाबी हो रहा है। क्या सुगा, तुमने किया बोला? हाँ मैं सही बोल रही हूँ, तेरा नाक वो तो पर्पल कलर का हो रहा है। ऐसी बात है, फिर मैं तुझे अभी दिखाता हूँ किसका मुख पर्पल कलर का होता है। सुगा भी मजा है, रुक मैं भी तुझे दिखाता हूँ। ना कॉलेज से घर चले जाते हैं और जिमिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद जिमिन उस बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। जनकुक से जानते हैं, आज ना मुझे काय बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, इसलिए ना मुझे एक होटल पे बुलाया। क्या होटल पे? हाँ देखो, इसमें इतना ज्यादा शॉक होने वाली क्या बात है, लेकिन जिमिन तुझे वो फिल्म में क्यों बुलाया? और भी तो बहुत सारे जगह थे, वहाँ पे क्यों नहीं गया वो तुझको लेकर? शायद उसे और जगह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे वहाँ पे बुलाया है। जिमिन मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। नहीं नहीं जंगू, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, काय ने तुझे जाने से मना किया है। लेकिन क्यों? इस बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन तू नहीं जाएगा, बस जिम तो जा सकता, लेकिन पहले तो मुझे होटल का एड्रेस सेंड कर। ठीक है मैं कर दूंगी। जिमिन काय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जंगू को सब बातें नहीं सुनता। जिमिन को थोड़ा गुस्सा आता है। जगो मैं तेरे साथ बात कर रही हूँ। हाँ क्या है बोलना। जगो मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ, तू उस तरफ क्या देख रहा है? ये चीज तरफ देख रहा था ना, अब देख मैं इसका क्या हालत करती हूँ। पहले तो मेरे हाथ में दे, उसके बाद तुझे छोड़ बोलना है बोलना। मैं क्या बोला? ये चीज मैं तेरे हाथ में दूंगा, ये छोड़ दे, ये मेरा है। नहीं ये मेरा है, नहीं तुझे छोड़ना बोला ना मैंने। मुझे लगता है तुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे तैयार होना पड़ेगा, तू यहाँ से जा जल्दी से जा जा। लेकिन जिमिन वो चीज मैं तुझे बाद में दे दूंगा, लेकिन तू अब जा यहाँ से। ये मुझे क्या होने लगा था जंगल की आंखों में देखने के बाद, मेरे दिल से तेरे को ऐसे तेज क्यों होने लगा था? काय मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर सकता है, ये सोचते ही ना मुझसे वेट नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं अभी चली जाऊँ। जिमिन सुख कम में देरी की सकाय ने तो बोला था तुझे 8 बजे आने के लिए, एक काम करता हूँ मैं 7 बजे चले जाता हूँ, मैं उसी सरप्राइज कर दूंगी, बहुत अच्छा होगा। जिमिन ये बात सोचते ही तैयार हो लगी।
तू आ गया। तू जानता है मैं तेरे लिए यहाँ पे कब से वेट कर रहा हूँ, ये इस महीने मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो बोल, रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, तुझे क्या ही बोलूँ जंकुक, इसलिए मुझे आने में इतना ज्यादा लेट हो गया। हम दोनों ने बहुत बात कर ली, अब हम लोग मेन पॉइंट पे थे। तुझे क्या कुछ सबूत मिला काय के बारे में? मैं तो इतने दूर ऐसे ही गया था, और मैंने तो सुबह बोला था ना मुझे बहुत सारे एविडेंस मिला है। कहाँ से एविडेंस? जो मुझे दिखा, मैं तुझे दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तू तेरे गुस्से को कंट्रोल कर, नहीं तो तू जिमिनी को संभाल नहीं पाएगा। जो तू ऐसा क्यों बोले? असल में जंगकुक, मैंने जितना सोचा था काय के बारे में, काय उससे भी बहुत ज्यादा बुरा लड़का है। तो खुद ही ये पेपर देख ले तो समझ आ जाएगा किस चीज का पेपर है। तो देख तो सही, इसको देख के तो लगता है ये कॉल लिस्ट है जिसमें सैमसन नाम के एक लड़के को बहुत ज्यादा बार कॉल किया गया है। सिंगू के काय का कॉल लिस्ट है, वो लड़की काय का लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। सर तो मुझे बोला गया यही वो काय के नाम से रजिस्टर है, एक बार जाके देखता हूँ। जिमिन तुम यहाँ पे कैसे आए इस वक्त? तो काय, मैं यहाँ पे आ गया बोले तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? नहीं जिमिन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? मैंने तो तुम्हारे लिए अलग रूम बुक किया था। जिमिन, मैंने तुम्हें बोला था तुम यहाँ पे 8 बजे आने के लिए। क्यों काय, जैसे तुम्हारे ये सब हरकत मेरे आंखों के सामने ना आए। नहीं जिमिन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। काय, तुमने तो मुझे अभी बोला तुमने मेरे लिए अलग रूम बुक किया है, इसका मतलब तुमने ये रूम उस लड़की के लिए बुक किया था ना, उस लड़की के साथ ये सब करने के लिए। नहीं जिमिन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो लड़की मेरे रूम में अचानक आके मेरे साथ ये सब करने लगी, मैं उसे रोक रहा था। क्या उसे रोकना बोलता है? मैंने साफ साफ मेरी आंखों से देखा है। इसके बाद भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँ? मेरी आंखों को छोड़कर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा जिमिन, क्योंकि यही सच है। नहीं कहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लिया है। उसके बाद तुम्हारे मुंह से और कोई भी सच मुझे नहीं सुनना है। शायद इसलिए मैं जंगू बोलता था तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, लेकिन मैंने उसे छोड़कर तुम्हें यकीन किया था, क्योंकि मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए यही था मेरी जिंदगी सबसे बड़ा भूल। लेकिन और नहीं, ये सब देखने के बाद तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बस जिमिन, बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा बोल लिया। इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से और एक शब्द नहीं सुनना चाहता। थैंक्स माय बेबी, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मैं ना मेरा काम निपटाने के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। उसके बाद जो बोलना है मैं तुम्हें बोलूंगा। ओके व्हाट? ये जिमिन कौन है? जिमिन तो एक टाइम पास है जंकुक, जो उसने बहुत सारे लड़कों के साथ किया है। उसी लड़की से टाइम पास करके छोड़ देता है, ऐसा नहीं है जंकुक, उसका सारा प्रॉपर्टी छीन लेता है। इसके लिए ही वो लड़के के ऐसे प्यार के जाल में फंसाता है। और जंकुक क्या जीव, इसके बाद भी और कुछ बचा है उसके नाम पे बोलने के लिए? जंकुक लड़के के गलत वीडियो निकलता है, उसके बाद वो वीडियो दिखा कर लड़के को ब्लैकमेल करता है पैसे के लिए, और जो लड़के पैसे नहीं दे पाता उसके सुसाइड करने में मजबूर करता है। क्या जीव, ये सब को क्या मिल रहा है? जिमिन को अभी ये सब कुछ बताना पड़ेगा जीव, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। मैं तो भूल गई, काय ने तो जिमिन को भी एक होटल में बुलाया है। जंकुक, तूने उसे जाने दिया अकेला? तूने कुछ नहीं बोला उसे? क्या करती, वो बहुत सारा जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। सुन, तू अभी उसे कॉल कर, ठीक है? मैं अभी करता हूँ। जी, उसका फोन तो स्विच ऑफ बोल रहा है, अब हम लोग क्या करें? मुझे लगता है ना वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है आज, मुझे अभी जाना पड़ेगा उसके पास। तेरे पास का उस होटल का एड्रेस है जिससे हम लोग वहाँ पे जल्दी जा सके? यस जी, मेरे पास है, टीम ने मुझे सेंड किया था। फिर चल जंकुक, हम लोग अब देर नहीं करते, जल्दी से निकल पड़ते हैं उसके पास आने के लिए। तुम भरी जमीन में तुझे कुछ नहीं होने देगा, मैं जितना जल्दी हो सके मैं तेरे पास उतना जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है काय, तुम इस लड़के के साथ भी तुम्हारा काम निपटा गया हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे रूम पर वेट करता हूँ। ओके बेबी, बाय। जिमिन, तुमने क्या बोला मुझे अभी? मैं बहुत ज्यादा घटिया इंसान हूँ, और तुमने ये बात कहाँ से सुनी? जंकुक ने तुम्हें ये बात बोला है ना? जिमिन, चाहे तुम्हारी ना गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुनने में। हाँ जिमिन, मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा बुरा इंसान हूँ, तुम मेरे मुँह से तुम्हारा नाम भी सुना नहीं चाहता। मैं भी ना तुम्हें देख के थक गया हूँ, तुम्हारे वो नौटंकी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। हर वक्त नहीं गए, अभी नहीं हो सकता, अभी तुम्हें किस नहीं मिल सको, जो कुछ भी होगा शादी के बाद। मैं कौन सा भी करना चाहता, तुम्हारे जैसे लड़के को मैं शादी करूंगी, माई फुट। देखा जो लड़की अभी मेरे साथ थी वो ना मेरा लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम तो मेरे टाइम पास हो जिसके साथ मैं थोड़े से टाइम बिता रहा था जिससे तुम्हारा बिजनेस मुझे मिल सके।
ये तो तुम्हारी तरह मैं मुंह उठा के भी नहीं देखता। तुम्हारे पास बच्चा भी क्या है? तुम्हारे सुंदर चेहरे के अलावा और कुछ तो नहीं है तुम्हारे पास। बस उसके अलावा जो कुछ भी है ना, सब कुछ मेरा हो जाएगा। स्काई वोल्टेज में अब मुझे जाने दो। जीवन तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे जो हासिल करूंगा, तुम कहीं भी मुंह दिखाने की बात नहीं छोड़ूंगी। तुम इतने ज्यादा गंदे मेंटल के इंसान हो, ये सोचते हुए ना मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कैसे तुमसे जो प्यार किया, ये मुझे ही नहीं पता। तब मेरे को जो बीफेयर करना है ना, ये बीफेयर के बारे में जंको को पता चले ना, तुम्हें तुम्हारा जो गलत करना है जंको, तुम समझ भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ जमीन, इसलिए तो मैंने तुम्हें प्यार के लिए बुलाया, जिससे जंको को इस बार कोई भनक भी नहीं लगे। मैं तुम्हारा जो गलत करूंगा ना, तुम भी सोच भी नहीं सकते।